यह है सौर जगत के आखिर में मौजूद कुइपर बेल्ट। 1992 में वैज्ञानिक डेविड ज्यूइट और जेन लू ने इसे खोजा था। जमी हुई सामग्री की इस विशाल डिस्क में हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए करोड़ों बर्फीले टुकड़े शामिल हैं। यहाँ चट्टान और बर्फ के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच कुछ अजीब सा जीवन जी रहा है, होमिया नाम का अंडे के आकार का एक घूमता हुआ ड्वार्फ प्लैनेट। दो चंद्रमाओं और एक बर्फीले छल्ले वाला यह विचित्र प्लूटो आकार का विश्व हमारे सौर मंडल में सबसे तेज घूमने वाली वस्तु है। इसकी सतह पर एक रहस्यमयी लाल धब्बा बिखरा हुआ है, संभवतः हाल ही के प्रभाव से यह निशान बने हैं। यहाँ कई दुनियाओं का एक पूरा परिवार छिपा हुआ है। मैके मैका और गोंग गोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स मीथेन के पतले वातावरण के साथ एक लाल रंग का मिनी प्लूटो है। कुइपर बेल्ट में 200 से भी अधिक ड्वार्फ प्लैनेट्स हो सकते हैं और लाखों से अधिक ड्वार्फ प्लैनेट्स अंतरिक्ष में तैरते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े।